असलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत अच्छे होंगे। और आज हम आया माना मॉल, और यहाँ पे हम बताऊँ क्यों आया, क्योंकि हम बाउंसिंग कास्टल में जाएंगे। चलें चलते हैं। हम माना मॉल में आए थे, हमें कार्टून करेक्टर्स मिल गए, बस हम इनके साथ फन करेंगे, फिर हम ऊपर चलेंगे। ये देखिए इनका कितना छोटा सा फेस है। हम आपको बहुत मजे करते हुए दिखाएंगे। आप गाइस, हम यहाँ से लिफ्ट में जा रहे हैं और वहाँ से हम 8th फ्लोर पर जाएंगे। ये सामने इनका काउंटर है, यहाँ पर कार्ड रिचार्ज होता है। यहाँ से हमने अपना कार्ड रिचार्ज करवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्नैक पॉइंट भी है जहाँ से आप कुछ भी खा सकते हैं। कुछ भी आप खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे एक शू रैक बनाया हुआ है जहाँ पे अपने जूते रखने होते हैं। और ये सब हमारी फैमिली को बैंड्स बना दिए हैं। और ये देखिए हमारे बैंड। हम यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते, सारी चीज़ें हमने अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार दी, अपनी की सारी चीज़ें अब हमने काट लिया। मैजिक प्लैनेट का चला है, चलते हैं। यहाँ से इन्होंने हमारा कार्ड स्कैन करके हमें अंदर भेज दिया। हमारी तो अंदर एंट्री हो गई है, चलें आप भी हमारे साथ हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाउंसिंग कास्टल अंदर जा रहे हैं। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। मैं आपको इसकी टिकट की प्राइस बताता हूँ। इसकी टिकट की प्राइस 500 है, लेकिन 6 अक्टूबर तक इस पर 50% ऑफ है। इसकी प्राइस 250 है। आप अपनी फैमिली के साथ आएं और इस ऑफर को खूब इंजॉय करें। इसमें बड़े और छोटे दोनों जा सकते हैं और भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि हमने तो बहुत इंजॉय किया और हमारे मामा पापा ने बहुत इंजॉय किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना बड़ा बाउंसिंग कास्टल नहीं होगा। जिस दिन मैं गया उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत इंजॉय किया। इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी थी, इसमें बच्चों को चोट लगने के चांस बहुत कम है। लेकिन चले हम आपको इसकी टाइमिंग भी बता देते हैं। और ये शाम को 5 बजे ओपन होता है। मैं आपको अमाना मॉल की लोकेशन भी बता देता हूँ, और ये मॉडल टाउन लिंक रोड में है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अंदर से सब कुछ दिखाऊं। लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया और हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए। इतना खेला, हालांकि हम घर से खाना खा के आए थे, फिर भी हमें बहुत भूख लग गई। फिर हमने पापा को इतना तंग किया, हमें खाना खिलाया, फिर पापा ने हमें पिज़्ज़ा खिलाया। देखिए मेरे पापा हमें इंजॉय करवाते हुए, खुद भी इंजॉय करते हुए।